आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच बिलोंग्स टू थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। That means the high level language. High level language की category को belong करने वाली programming language है Java. इस particular programming language के अंतर्गत multiple applications build किए जा सकते हैं। ये applications आप standalone PC के लिए और इसके अलावा internet, that means web applications भी build करने की facility आपका Java आपको provide करता है। तो आइए गाइस वन बाय वन डिस्कस करते हैं ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। फर्स्टली हिस्ट्री। हिस्ट्री में डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एंड टीम सन माइक्रोसिस्टम द्वारा डेवलप किया गया है। फर्स्ट वर्जन रिलीज 1995 में, इससे पहले 1991 में ये रिलीज हो गई थी, लेकिन इसको एक नाम दिया जाता था ओक। बाय डिफॉल्ट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नाम 1995 में ही यूज किया गया। नेक्स्ट है सिंटैक्स सी एंड सी प्लस प्लस के ऊपर बिल्ड होता है, बेस्ड होता है, आधारित होता है। नेक्स्ट है डिजाइन टू इम्फसाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाइल सिंप्लीफाइंग लो लेवल प्रोसेसर। लो लेवल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की कैटेगरी को इंप्लीमेंट करता है, यूज करता है आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट आते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जावा साइड थिंग्स। साइड थिंग्स में सबसे पहले डेस्कटॉप एप्स। डेस्कटॉप एप्स को बनाने के लिए बेसिकली डेस्कटॉप में यूज होने वाले एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के लिए जावा का यूज कर सकते हैं। वेब एप्स, वेब बेस्ड ऐप अगर आपको बनाना है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इंटरनेट पे चलने वाले एप्स को आप क्या बोलते हो, वेब एप्स। ऐसे एप्स को आप एप्लेट और बैक एंड का यूज करके जावा के थ्रू इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल एप्स। जावा के थ्रू आप मोबाइल एप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मोबाइल में यूज होने वाले एप्स को भी जावा के थ्रू बनाया जा सकता है। ये पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स है। इक्लिप्स डेस्कटॉप ऐप है, इग्नाइट कैंपस है ये वेब ऐप है, और मोबाइल एप्स हैं जो मल्टीपल मोबाइल एप्स जावा के बेस्ड मोबाइल एप्स हैं जो कि आप लोग यूज करते आ रहे हो। आप लोगों ने गेम्स देखे होंगे, मोबाइल गेम्स, बेसिकली कई तरह के मोबाइल गेम्स हैं जो जावा के थ्रू ही डेवलप किए। नेक्स्ट है प्रोस एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष में क्या बातें जाती हैं। तो फर्स्टली प्रोस देखते हैं, पक्ष में क्या बातें हैं। पोर्टेबिलिटी है, यानी भाई यूजर फ्रेंडली है, दैट मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और यूजर फ्रेंडली, ये दो पर्टिकुलर फैसिलिटी है जो जावा को किसी भी अपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी से सुपीरियर प्रूव करती है। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग की फंक्शनैलिटी है, दैट मीन्स एक कंप्लीट प्रोग्राम को मल्टीपल स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स में थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है और उनको आप रेंडमली वन बाई वन सिक्वेंसली रन कर सकते। नेक्स्ट है स्मॉल फुटप्रिंट, फाइल छोटी, बिल्कुल जार फाइल है, छोटे साइज में फाइल को आप बना सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन है, दैट मींस ऑटोमेटिकली आपके गार्बेज को अनयूज्ड इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है और स्टोर करता है और इनको बाय डिफॉल्ट इरेज भी करता है। कॉन्स है, कॉन्स में सबसे पहला लैंग्वेज लिमिटेशन है। जावा लैंग्वेज लिमिटेशन है बिकॉज सिंटेक्स को फॉलो करता है। सिंटेक्स को फॉलो करने के चलते इसमें लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है स्लोवर एग्जीक्यूशन। अदर देन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन थोड़ा सा स्लो हो सकता है, धीमा हो सकता है। नेक्स्ट है यूज मोर मेमोरी। ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट करेगा, ज्यादा मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट करता है जावा अदर देन द सम अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। डेवलपमेंट स्टेप्स पे आते हैं गाइस। फर्स्ट डेवलप करने का तरीका बैठिए पीसी पे, सिस्टम पे, किसी भी डिवाइस पे और अपने सोर्स कोड को लिखिए। इजी है,
नेक्स्ट रनिंग एग्जीक्यूट करने का तरीका। ये एग्जीक्यूट कैसे होगा इसको देखते हैं। फर्स्टली राइट द सोर्स कोड, सोर्स कोड को लिखिए फर्स्ट स्टेप में जो मैंने बताया था, सोर्स कोड को लिखना। सेकंड स्टेप में कंपाइल एंड बाइट कोड में कन्वर्जन। इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या होता है, आपके उस पर्टिकुलर सोर्स कोड को कंपाइल किया जाता है जावा सी कंपाइलर के थ्रू और उसको एक न्यू काइंड ऑफ कोड जिसको आप लोग बाइट कोड बोलते हो उसमें कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, अब एग्जीक्यूशन है इस पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम का। टाइप मीन्स इंटरप्रेटर के थ्रू आप उस जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो इस स्टेप। नेक्स्ट आते हैं स्टार्टर टर्म्स, स्टार्ट करने के कौन से टर्म्स है। फर्स्टली सोर्स कोड, जो सोर्स कोड आप लिख रहे हो सोर्स कोड को आप लिखिए। सोर्स कोड को लिखने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट करिए। दैट मींस उस पर्टिकुलर सोर्स कोड को आप ट्रांसलेटर प्रोग्राम यानी कि कंपाइलर का यूज करके ट्रांसलेट करिए, कंपाइल करिए। जावा सी कंपाइलर आपके सोर्स कोड को एक नए कोड में बाइट कोड में कन्वर्ट करे। यही एग्जीक्यूशन आपका जावा वर्चुअल मशीन नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वेरिएबल का डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद मैथड डिक्लेरेशन, मैथड डिक्लेरेशन के बाद रिटर्न टाइप और इसके बाद कॉलिंग स्टेटमेंट। ये टर्म्स हैं जावा के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के। देन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग है, एड्रेस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे है। दैट मीन्स जावा के प्रोग्राम में बेसिकली सिक्योरिटी के 100% फीचर्स को फॉलो किया जाता है। बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स को फॉलो करता है और मल्टीपल ऑप्शंस को भी स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के चलते किसी भी एक एप्लीकेशन में बनाए गए एप्लीकेशन को, किसी भी एक प्लेटफॉर्म में बनाए गए एप्लीकेशन को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में इजी वे में आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिक्योरिटी के सभी फीचर्स को फॉलो किया जाए जो कि जावा के केस में मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो गाइस ओवरऑल यहां से ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट जिसमें आपको जावा का इंट्रोडक्शन और जावा के बेसिक फीचर्स के बारे में समझाया गया है क्लियर होता है। देन जावा से रिलेटेड नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।